नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल का पहला चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा बताया हूँ, सिलेबस तो पहले ही मैंने दिखा लिया था, लेकिन इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना, स्टोन्स में क्या पढ़ना है हम लोगों को। बेसिकली देखिए, एक तरह का कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और नेचुरल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। स्टोन कहीं बनाया नहीं जाता बल्कि पड़ा रहता है, वहां से निकाला जाता है, जिसको हम लोग क्वेरिंग बोलते हैं। ये सारी चीजें पढ़नी है, हो सकता है दो क्लास में लगेगी स्टोन में आपकी, तो क्योंकि डिटेल में पढ़ा दूंगा, सब कुछ पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो स्टोन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस आपको दिखा रखा हूँ, उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ मैं बोल्ड में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सिलेबस हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, अब स्टोन्स में मैं आपको दिखा दूं मोटा मोटा कि देखिए हम लोग का सिलेबस क्या क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि पहला जो है बिल्डिंग स्टोन जो चैप्टर है, उसके अंदर सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ना है। देखो, एक मोटा मोटा चीज ये होता है दोस्त कि रॉक जो होती है ना, वो होती है चट्टान, और इन्हीं को तोड़ करके इन्हीं से निकाली जाती है क्या, स्टोन्स। असल में रॉक होती है, चट्टाने बड़ी बड़ी होती हैं, उन चट्टानों से ही क्या निकाला जाता है, स्टोन यानी पत्थर निकाला जाता है। और ये क्या है, पत्थर क्या है, एक नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है ना, नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। तो आप कहेंगे सर नेचुरल शब्द क्यों आप कह रहे हैं, तो देखो मोटा मोटा जितनी भी चीजें पदार्थ हैं वो कुछ बनाए जाते हैं और कुछ बने बनाए होते हैं, उनको बस निकाला जाता है, तो उस तरह से पत्थर नेचुरल आता है। अब ये रॉक कैसे बनती है, फिर ये सब उससे स्टोन कैसे बनता है, वो सब अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, लेकिन फिलहाल आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़नी है, यानी रॉक जिस तरह की होती है उसी तरीके का उससे क्या निकलता है, स्टोन निकलता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी जो चट्टाने होती हैं, तो जैसी उस चट्टान की क्वालिटी होगी वैसा ही उससे क्या निकलेगा, स्टोन निकलेगा। तो इसीलिए हमको क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स पढ़ना है, यानी रॉक कितने तरह की होती है। तो तीन तरह से, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीन तरह से क्लासिफिकेशन रॉक्स का किया गया, इनको पढ़ना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, अलग अलग स्टेट में, मतलब अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत सिलेबस इसका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सारे टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। मैं कुछ टॉपिक्स जो सिलेबस में अभी दिखा रहा हूँ वो थोड़ा बहुत जो है ना, हो सकता है किसी में आगे हो किसी में पीछे हो, लेकिन रहेगा सब में सब, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में तीन तरह के क्लासिफिकेशन का जनरल रिव्यू हमें लेना है। अभी सर तीन तरह का क्लासिफिकेशन कैसा है, मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, अभी आप नए हैं तो धीरे धीरे, अभी तक आप फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री को जानते थे कि बहुत हार्ड है अगर आप इंटरमीडिएट या हाई स्कूल किए हो तो, लेकिन असली कठिनाई तो सोशल साइंस देता था। क्यों, अगर फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री में आपसे पूछूं कि क्या हार्ड है तो आप बता लेंगे, लेकिन सोशल साइंस के अगर मैं पूछूं कि चैप्टर का नाम, कि इस चैप्टर के बाद ये क्या था, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों, क्योंकि वो थ्योरी ज्यादा थी। ये जो आपका सब्जेक्ट है फुली थ्योरेटिकल है, सिविल इंजीनियरिंग में जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट शुरू होंगे वो आपके अगले सेमेस्टर से शुरू होंगे, ठीक है ना, या कुछ लोगों के इसी सेमेस्टर में दोनों होगा। तो ये जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, बहुत बड़ा ही बेसिक सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो स्टोन्स को पढ़ना है, इसी तरह से और भी मटेरियल्स हैं, और भी मटेरियल्स का मतलब जिनका सिलेबस मैंने जिक्र किया था वो सारे मटेरियल भी हैं यहाँ पे, ठीक है, पढ़ना हमको उनको भी है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि स्टोन या रॉक को इन तरह से क्लासिफिकेशन करने के बाद फिर हमें जनरल कैरेक्टराइटिक्स ऑफ स्टोन, यानी कुछ पत्थरों के कैरेक्टराइटिक्स यानी उनके अभिलक्षण के बारे में पढ़ना है, जैसे मार्बल है, कोटा है, ग्रेनाइट है, सैंड है, ट्रैप बेसाल्ट, इन सब के बारे में कुछ, मतलब जो स्पेशल स्टोन है उनके बारे में थोड़ा पढ़ना है। फिर पढ़ना हमें रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स, यानी अच्छे पत्थर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स यानी विशेषताएं होनी चाहिए। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन, यानी कुछ सामान्य बिल्डिंग स्टोन्स को पहचानने के लिए, हालांकि ये प्रैक्टिकल चीज है पत्थरों को पहचानना, लेकिन इनकेस यदि आप थोड़ा सा थ्योरी में समझ लेंगे तो आसान रहेगा। फिर वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन इन कंस्ट्रक्शन, यानी पत्थरों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में, वो भी समझेंगे। फिर क्वेरिंग ऑफ स्टोन बाय ब्लास्टिंग, यानी ब्लास्टिंग द्वारा कैसे स्टोन को डायनामाइट का विस्फोट करके कैसे स्टोन को निकाला जाता है वो भी हम पढ़ेंगे, और उसका एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में सबसे पहली चीज हमें जो पढ़नी है, क्या यही पढ़ना है सीधे टॉपिक सर क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, नहीं, उससे भी पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी है, क्या है आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं मिनरल्स को पढ़ाऊंगा, अब मैं आपको एक मोटा मोटा चीज समझा लूं थोड़ा सा, उसके बाद। हमारी पृथ्वी देखिए कुछ इस तरह की है,
हमारी पृथ्वी देखिए उबड़ खाबड़ सी है, कहीं पे देखो पृथ्वी पूरी जो है ना पानी का एरिया, ये पूरा पानी है, पानी के अंदर भी जमीन है लेकिन कहीं कहीं जमीन उठ गई है। इन्हीं उठे हुए भूभाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं उठे हुए भूभाग को यानी हम लोग इनको महाद्वीप बोलते हैं। उसमें कुछ जो छोटे छोटे उठे हुए रहते हैं पानी के अंदर, पानी के अंदर ये बाहर निकला है ना, इसी में भारत होगा और इसी में जो है जितने एशिया एशियाई महाद्वीप में जितने कंट्री होंगे वो होंगे, फिर कनाडा अमेरिका सब एक तरफ दूसरी प्लेट पे होगा। यानी ये सब जो जो उठा हुआ पार्ट है पृथ्वी का, देखो सतह से थोड़ा उठा हुआ, यही जो है वो पृथ्वी है, ठीक है। और जो ये पानी वाला भाग है उसके अंदर भी पृथ्वी है लेकिन ये थोड़ा नीचे है। तो ये 3D इमेज है, आप इसको समझिए कि ये जो उठे हुए भाग या दबे हुए भाग के अंदर जो मिट्टी है ऊपरी लेयर, तो ऊपरी लेयर जो है ना इसको अगर अंदर से फाड़ा जाए पूरा, तो सबसे ऊपरी लेयर जो होती है वो क्रस्ट कहलाती है। क्रस्ट मतलब जो कठोर भाग होता है, और इसके अंदर थोड़ा लगभग 30 से 70 किलोमीटर की क्या होती है, क्रस्ट होती है। क्रस्ट के अंदर कुछ पिघला हुआ भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेंटल। और मेंटल के अंदर एक खोलता हुआ पिघला हुआ सेमी सॉलिड भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो क्रस्ट है, फिर उसके अंदर मेंटल, उसके अंदर कोर है। अब उसमें भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, मैं वो अभी नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि स्टोन्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ठीक है। नाउ यदि ये इमेज आप समझ पा रहे हो, ये इस तरीके से इमेज है जो उभरे हुए भागों का, और इसको अंदर से काटा गया ऐसे, मतलब इसको अगर इस तरीके से हम लोग फाड़ने बीच से यहां से ऐसे जो है यहां से इसको हमने फाड़ दिया मतलब काटा, तो जब काट के देखेंगे जैसे केक काटते हैं तो अंदर वाला भाग बाहर दिखने लगता है। कभी केक काट के देखे हैं ऐसे बड़ा सुंदर दिखता है, जैसे ऐसे दोनों तरफ से काटेंगे तो उसकी ब्रेड की लेयर दिखने लगती है। तो बस जब इसको काटेंगे आप बाहर निकालेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। डिटेल है, हमें बहुत ज्यादा पचड़े में नहीं पढ़ना है, हमें बस इतने पचड़े में पढ़ना है कि यदि हम लोग यहां से देखें तो हमारा ये टॉप का लेयर है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट के अंदर जो क्रस्ट है उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं उनमें। अब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि इस क्रस्ट के अंदर, क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में क्या होता है, सॉयल मिट्टी होती है या पत्थर होते हैं। तो वो सब किससे बने होते हैं, या मैं कहूं कि पूरी पृथ्वी ही किससे बनी रहती है। तो पूरी पृथ्वी का अध्ययन हम लोग ज्योग्राफी में कभी कभी आप पढ़िएगा तो आप पढ़िएगा, लेकिन आज हमें अपने काम की चीज में ऊपरी लेयर में या तो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं यानी धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं, या तो इसमें क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और भी चीजें होती हैं, लेकिन ये दो खास चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो अब अगर इनके अलावा कुछ कुछ ना ऑर्गेनिक मेटल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, अब ये सब क्या होता है थोड़ा डिटेल में बाद में, फिलहाल अब कहेंगे सर मेटल ऑक्साइड्स का क्या मतलब है। कभी आपने लोहा देखा है, लोहे को कभी खुले में छोड़ दीजिए, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होता है, धीरे धीरे गलने लगता है, सड़ते सड़ते एक दिन जंग रस्ट में बदल के और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, लोहा खत्म हो जाता है एक समय के बाद। कैसे, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो टूट करके मिट्टी में मिल गया। इसी तरह बहुत सी धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और एकदम क्षय होकर मिट्टी में जाके मिल जाती हैं। तो हमारे पूरी पृथ्वी की जो लेयर है ना वो बहुत सारे धातुओं के ऑक्साइड से बना हुआ है, जैसे आयरन ऑक्साइड आपने देखा। इसी तरह से जो मिट्टी हम हाथ में उठाते हैं, अगर आप यहां से पृथ्वी के ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी उठाएं तो उस मिट्टी में आप देखते होंगे या तो मिट्टी काफी सॉफ्ट होती होगी, सॉफ्ट होती होगी, या दरदरी सी होती है, सॉफ्ट मिट्टी, या जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्ले। देखो जो चिकनी चिकनी सी मिट्टी होती है उसको क्ले बोलते हैं, और कुछ जो बालू टाइप की होती है यानी सैंड टाइप की होती है, और कुछ लाइम टाइप की होती है, तो ये सब भी मिट्टियां हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है उसको क्ले होती है, तो वो एक धातु का ऑक्साइड होती है यानी मेटल में वो होती है किसका ऑक्साइड, तो ये होती है किसका, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यानी Al2O3 होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एल्यूमिना। इसको मैं क्यों समझा रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पूरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल बार बार आए। तो अच्छा एक चीज और, आपको जो अधूरा अधूरा पढ़ाएगा ना तो आपको बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा, आप कहेंगे अरे यार वजब समझ में आ रहा है, हम इतना टेक्निकल टर्म लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन यकीन करिए
एक दो क्लास मेरी करने के बाद टेक्निकलिटी दिमाग में आपके घुसने लगेगी धीरे धीरे। देखो आसान चीजें पढ़ाऊंगा जल्दी समझ में आ जाएंगी, थोड़ा डिटेल में जाऊंगा तो समय तो लगे, लेकिन यकीन करिए आप बहुत कुछ छोड़ देंगे। यदि यहां नहीं पढ़ रहे हैं आप तो बहुत कुछ आपके दिमाग से स्किप निकल जाएगा, फिर खराब हो जाएंगी चीज। तो मैं गहराई से आपको चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। जो सिलेबस मैंने दिखाया वो तो सीधे क्लासिफिकेशन चला गया, मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा जिससे हमें आगे मदद मिले। मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो सॉफ्ट सॉफ्ट सी क्ले होती है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होती है, इसी तरह जो सैंड होती है ना, एल्युमिनियम का ऑक्साइड मतलब जो एल्युमिनियम आप बर्तन वगैरह देखे होंगे एल्युमिनियम का सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, कुकर कढ़ाई इसकी बनती है एल्युमिनियम वाले, तो वो अगर डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिलेगा तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाएगा, चिकनी मिट्टी बनाएगा। इसी तरह जो बालू होता है ना, बलुई मिट्टी जिसको बोलते हैं, बलुई मिट्टी के अंदर यानी बालू के अंदर सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है। सिलिकॉन का ऑक्साइड मतलब सिलिकॉन एक धातु है, उसके ऑक्साइड से इस बनता है क्या, सिलिकॉन का ऑक्साइड। इसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं सिलिका, जैसे उसको एलुमिना बोलते हैं तो इसको बोलते हैं सिलिका। तीसरी चीज है लाइम, लाइम बनता है कैल्शियम के ऑक्साइड से। अब मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ये दोनों तो अपने स्टेबल फॉर्म में है सिलिका और एलुमिना, लेकिन लाइम अपने इस फॉर्मेट में नहीं पाया जाता, बल्कि ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर के फॉर्मेट में पाया जाता है। अब चूना पत्थर का मतलब ये देखो अनस्टेबल है तो ये भी कैल्शियम का ऑक्साइड, लेकिन अनस्टेबल है तो CO2 से क्रिया करके ये CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जिसको चूना पत्थर बोलते हैं। तो आप पृथ्वी के ऊपरी सतह में देख रहे हैं या तो चिकनी मिट्टी है या बालू है या चूना है या आयरन ऑक्साइड है या और भी कई सारे ऑक्साइड और उसके साथ में प्लस क्या है, मिनरल्स, धातुओं के ऑक्साइड के साथ साथ मिनरल्स होते हैं। और ये जो मिनरल्स होते हैं ना वो कम से कम पृथ्वी पर 2000 मिनरल पृथ्वी पर। लेकिन अगर मैं आपसे यहीं पर मोटा मोटा बात करूं यहीं पर, तो देखो पृथ्वी पर जितने मिनरल पाए जाते हैं उनमें से केवल 18 से 20 मिनरल ऐसे हैं जो मिल करके चट्टान बना देते हैं यानी रॉक बना देते हैं, तो उनको रॉक मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है ना। आप कहेंगे सर रॉक मिनरल के अलावा, देखो तुम खाने वाला नमक जो खाते हो पहले वो ढोका ढोका आता था, वो रॉक सॉल्ट से आता था, मतलब जो नमक का पत्थर होता था, ठीक है ना, तो वो नमक एक तरह का मिनरल था। तो क्या वो रॉक मिनरल है? नहीं है, क्योंकि वो तो नमक खाने के लिए होता था। पत्थर की बात करें तो जैसे आपने स्टोन शब्द जब सुना तो स्टोन का मतलब हम लोग स्टोन नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग बिल्डिंग स्टोन पढ़ रहे हैं। कहेंगे सर दोनों में अंतर क्या है? देखो स्टोन तो हीरा भी है, डायमंड भी स्टोन है, तो क्या हम लोग उससे बिल्डिंग बनाएंगे? इतना रजवाड़ा ही है। यानी स्टोन्स दैट आर यूज्ड इन बिल्डिंग, उन स्टोन्स को हम पढ़ने वाले। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं मिनरल बहुत सारे हैं पृथ्वी पे, दुनिया भर के हैं, 2000 से ज्यादा है, लेकिन केवल 18 से 20 ऐसे मिनरल हैं जो चट्टानों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कैसे? तो 18 से 20 ही मिनरल ऐसे हैं जो क्या होते हैं, रॉक मिनरल होते हैं, रॉक मिनरल होते हैं। तो अब एक चीज आपने समझा कि रॉक मिनरल क्या होता है और इनका नेम, अब देखिए ये कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को समझेंगे हम लोग कि रॉक होती है तो उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। इसको और डिटेल में आपको अपने बहुत बाद में एक सब्जेक्ट मिलेगा सॉयल मैकेनिक्स, मृदा यांत्रिकी, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ना। आज बस हमको यह समझना है कि मान लीजिए कि ऊपर कुछ चट्टाने हैं ही, चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ होगा उनको मैं दिखाऊंगा, उसी दौरान आप कई और चीजें समझेंगे। आज आपको समझ में आया अभी तक के क्लास में कि भाई पृथ्वी के ऊपर क्रस्ट होता है, क्रस्ट में ये सारी चीजें पाई जाती हैं और इसमें 18 से 20 ऐसे मिनरल हैं जिनसे मिलकर चट्टानों का निर्माण होता है, बाकी धातुओं के ऑक्साइड्स। अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाएंगे तो जरूर नहीं केवल बालू हो, केवल चिकनी, सब मिला के भी हो सकता है। और जब क्ले सैंड लाइम सब आपस में मिल जाते हैं पूरे, तो इन सब को मिला के बनती है दोमट यानी लोम, लोम जिसको बोलते हैं, दोमट यानी दो मिट्टी, ठीक है ना। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि हाँ रॉक कैसे बनता है, मिनरल से बनता है। अब यदि हम लोग यहीं पर सिलेबस को लगे हाथ समझ लें तो थोड़ा सा सिलेबस के बाद पहला पॉइंट, ये सीधे क्लासिफिकेशन को बोल दिया था बताने के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि रॉक का फॉर्मेशन मिनरल्स से होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मिनरल्स को पढ़ के तब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। अब मैं मोटा मोटा आपको बता दूं कि पत्थर जो होता है
उसके बारे में बोला गया कि पत्थर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्टोन जो होते हैं वो चट्टान यानी रॉक से मिलते हैं, और रॉक किससे बनती है बताइए, रॉक किसके बनती है, मिनरल से बनती है, ठीक है ना। तो कहा गया कि ये भवन निर्माण एवं अन्य इंजीनियरिंग कार्यों के लिए वर्षों से प्रयोग किए जा रहे हैं, ये विभिन्न आकारों रंगों प्राप्त से चट्टानों के बारे में बोल रहा है, पत्थरों के बारे में बोल रहा है। इनके गुण भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, इनके गुण चट्टानों के गुण पर निर्भर करते हैं। मैंने कहा कि रॉक स्टोन जहां से निकलेगा जिस रॉक से उसी रॉक की तरह तो इसका गुण होगा, अर्थात जिस चट्टान से प्राप्त किए जाते हैं गुण भी उसी चट्टान के होते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त यानी नेचुरल है। तो जो बातें यहां पर लिखी गई हैं, क्या ये सारी चीजें इस तीन लाइन में नहीं है, इसी से मिलता है, नेचुरल होते हैं, मिनरल, समझ में आ गई बात। इन्हीं चीजों को पत्थर का एक इंट्रोडक्शन आपको दिया गया और सेम चीज आपको इंग्लिश में लिखी हुई भी मिलेगी। यही नोट्स आपको दिया जाएगा, जिसको थ्योरेटिकल नोट्स है आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप प्रिंट करा लीजिए। जब कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट चलता है तो उसका नोट्स खुद बनाया करिए, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। देखिए सेम चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, इंग्लिश वाले लोग देख लें। कह रहा है कि स्टोन्स आर ऑब्टेंड फ्रॉम रॉक्स, दीज हैव बीन यूज्ड फॉर इयर्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अदर इंजीनियरिंग वर्क्स, दे आर ऑब्टेंड इन डिफरेंट शेप्स कलर्स, देयर प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, देयर प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रॉक फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेंड आर ऑल्सो ऑफ द सेम रॉक, दीज आर नेचर गिवन सब्सटेंसेस, ये प्रकृति द्वारा दिए गए पदार्थ हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या पत्थर का आज भी प्रयोग हो रहा है काम में, तो मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि देखो बेटा, जब सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था तो जोड़ने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता था, चूना बहुत हजारों सालों पहले से जोड़ने वाला पदार्थ है दो चीजों को, लेकिन वो ईंट के साथ नहीं अच्छा काम करता, वो किसके साथ अच्छा काम करता है, पत्थर के साथ। तो पहले की जो किले वगैरह बने थे राजा हो जाके या दीवारें उनकी बनाई जाती थी, वो मोटे मोटे पत्थरों के साथ चूने से जोड़ करके जुड़ाई करके बनाया जाता था, ठीक है। तो आपने ये चीज देखा कि पत्थर आज भी आप घर मकान भले ईंट का बनवा रहे हो, लेकिन आज भी जो बड़े बड़े अबुटमेंट्स हैं, ब्रिज के जो पाए होते हैं, जो ईंट वगैरह पानी बहुत सोखता है, लेकिन पत्थर ऐसे ऐसे हैं जो पानी नहीं सोखते, तो ऐसी जगहों पे जहां पे पानी सोखने की समस्या वहां आज भी ग्रेनाइट का पत्थर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्टोन हो गया। अब बात कर रहा है कि ऐसा माना जाता है, अब देखो चट्टानों के बारे में बोला, ये पत्थर के बारे में बोल दिया, अब चट्टानों के बारे में, ऐसा माना जाता है कि करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी गैस एवं आग के बादलों के रूप में अंतरिक्ष में घूम रही थी, वातावरणीय प्रभाव के कारण धीरे धीरे अपना तापमान खोती गई और पिघले पिंड के रूप में सूर्य से अलग होकर वर्तमान स्थिति में आ टिकी, पृथ्वी के ठंडा होने का क्रम चलता रहा और समय बीतने पर इसका ऊपरी भाग ठोस पिंड के रूप में बदल गया, पृथ्वी का यह ठोस भाग लगभग 30 से 70 किलोमीटर, मैंने लिखा था क्या कहीं, देखिए जो समझा रहा हूं हर चीज आपके नोट्स में भी रहेगी, ठीक है ना। 30 से 70 किलोमीटर का जो है ये क्या होता है, इसका ऊपरी भाग होता है। अब देखिए यहां पे 30 से 70 किलोमीटर मोटा, इसे ही पटल यानी क्रस्ट कहते हैं, इसके अधिकतर भाग में ठोस चट्टान है, इन चट्टानों से पत्थर प्राप्त किए जाते हैं, चट्टानों का कोई निश्चित आकार और रासायनिक संगठन नहीं होता, चट्टानों का कोई निश्चित आकार और केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, ये एक या अधिक खनिजों यानी मिनरल्स का मिश्रण। जब कोई चट्टान एक ही खनिज से बनती है उसमें केवल एक खनिज पाया जाता है, तो ऐसी चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो मिनरैलिक रॉक। मोनो मिनरैलिक का मतलब, मोनो मतलब एक, एक खनिज, और अगर कई खनिज मिलके एक चट्टान बनाया है तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉली मिनरैलिक रॉक, पॉली मिनरैलिक रॉक, समझ में आ रही बात। तो सेम चीज को इंग्लिश में भी लिखा गया है, इसको देखिएगा एक बार। अब कह रहा है कि चट्टानों का निर्माण करने वाले खनिज, यही खनिजों को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे इस पर क्लासिफिकेशन पर। खनिज क्या होते हैं, चट्टानों का निर्माण एक या अधिक खनिजों से कार्बनिक पदार्थों से होता है। अब अकार्बनिक कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं उसको आप पहले जानते हैं, मैं बता दू। देखो अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक और एक होता है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वो चीजें होती हैं जो सड़ती गलती नहीं, ऑर्गेनिक वो होती है जिनमें सड़न हो सकती है, जैसे पेड़ पौधों की जड़े तने पत्तियां ये सब ऑर्गेनिक है, हम लोग की बॉडी ऑर्गेनिक है, हम लोग साग सब्जियां ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक मतलब ईंटा गिट्टी बालू ये सब इनऑर्गेनिक, समझ मारी बात। तो चट्टानों का निर्माण ऐसे होता है, करा कि अगर बोला कि अगर चट्टानों का निर्माण एकल खनिज से हुआ हो तो उसे एकल खनिज चट्टान यानी मोनोमिनरलिक रॉक कहते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज एक चट्टान भी है और क्वार्ट्ज एक खनिज भी है, क्वार्ट्ज खनिज से ही मिलके क्वार्टजाइट चट्टान बनती है, क्वार्टजाइट पूरा नाम है उसका,
चट्टानों का निर्माण एक से अधिक खनिजों द्वारा हुआ हो तो उसे बहु खनिज चट्टान यानी पॉलीमिनरलिक रॉक कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप आदि। पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली चट्टाने केवल 18 से 20 खनिजों से मिलकर बनी होती हैं। समझ गए बात आपको? क्या जो मैं बोल रहा हूं वो लिखा हुआ भी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, नोट्स तो रहेगा ही, लेकिन समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास को। अगर आप सुने रहेंगे तो याद जल्दी होगा, ठीक है। अब कुछ खनिजों के बारे में बता रहा है, जैसे क्वार्ट्ज एक खनिज है, क्वार्ट्ज एक मजबूत खनिज है, जिस पत्थर में क्वार्ट्ज ज्यादा होता है वो पत्थर मजबूत होता है, कठोर होता है, जैसे बालू, बालू वाले जितने पत्थर है, जैसे ग्रेनाइट में ज्यादा क्वार्ट्ज होता है, बेसाल्ट ट्रैप में थोड़ा कम होता है। मतलब क्वार्ट्ज एक ऐसा खनिज, देखिए सामान्यतः सिलिकॉन का ऑक्साइड है, मैंने बोला ना कि हर खनिज धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। यह रंगीन सफेद या काला धूसर होता है, जिन पत्थरों में इसकी मात्रा अधिक होती है वे ज्यादा कठोर व टिकाऊ होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.7 होता है। अब ये टर्म कहां से आ गया? देखो विशिष्ट गुरुत्व बताता है कि कोई चीज पानी की तुलना में कितना भारी है। इस पर अधिक चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूं कि जैसे पानी का जो घनत्व होता है ना वो 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है, यानी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। एक क्यूबिक मीटर लोगे तो बक्सा बना लो, एक मीटर बक्सा बना लो, उसमें पानी डालोगे तो 1000 kg पानी आएगा। लेकिन उसी बक्से में यदि तुम क्या करो, क्वार्टजाइट भरोगे तो लगभग 2700 kg आएगा, यानी पानी की तुलना में 2.7 times ज्यादा, यानी 2.7 गुना ज्यादा आता है। कोई भी चीज पानी से जितनी ज्यादा भारी होगी वही उसका विशिष्ट गुरुत्व होता है। इस पर लंबी चर्चा बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जिस पत्थर का विशिष्ट गुरुत्व जितना ज्यादा होता है, एक नंबर से दिखाया जाता है इसको, इसका कोई यूनिट नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका जो भी जैसे 2.7 की जगह 2.8 होता तो 2.8 वाला ज्यादा भारी होता, मजबूत नहीं कह रहा हूं, भारी कह रहा हूं। और इसकी कठोरता देखो बताया गया है कि मोह स्केल पे 7 होती। मोह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कठोरता मापने के लिए एक पैमाना बनाया, और उन्होंने बताया कि हमारे पैमाने पर 1 से लेके 10 तक पर कठोरता आप दिखा सकते हैं, जिसमें 1 कठोरता काफी कम है और 10 काफी हाई है। हीरा सबसे हार्ड माना जाता है, हीरे की कठोरता सबसे ज्यादा मानी जाती है मोह स्केल पे 10 की कठोरता। जबकि टैल्कम, टैल्कम पाउडर सुने हैं, टाल के खनिज है, उसी से टैल्कम पाउडर बनता है, वो काफी स्मूथ होता है, कठोरता बिल्कुल नहीं होती उसका। मोह पैमाने पे जो यूनिट है वो 1 माना जाता है, ठीक है ना। तो क्वार्ट्ज एक खनिज है जिसके बारे में जानकारी मिली, ये बताया है कि क्वार्ट्ज के अंदर क्या गुण है, मतलब ये कह रहा है कि जिन पत्थरों में होगा उस कठोर और टिकाऊ पत्थर होंगे, विशिष्ट गुरुत्व इतना है, मोह पैमाने पर कठोरता 7 है, क्लीवेज अच्छा नहीं। क्लीवेज का मतलब होता है एक प्लेन जिस पर से किसी चीज को अलग किया जा सके, उसको क्लीवेज कहते हैं। अब पत्थरों में क्लीवेज जिनमें ज्यादा अच्छा है नहीं कैसे पता चलेगा और उसका क्या मतलब है? कभी पटिया देखे हैं, नाली वाली पे बिछाते हैं लोग, या पहले छत में भी पटिया का यूज करते थे। पटिया स्लेट पत्थर होता है, स्लेट पत्थर को फाड़ फाड़ करके पतली पतली पटिया बनाई जाती है। तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनको लेयर में अलग किया जा सकता है, और जिस तल पे अलग करते हैं उस तल को क्लीवेज प्लेन बोलते हैं। तो इसके अंदर ना ये कॉम्पैक्टेड स्टोन है, इसके अंदर क्लीवेज नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, क्वार्ट्ज के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगला खनिज है फेल्सपार। अब फेल्सपार के बारे में बताया गया कि ये एल्युमिनियम का सिलिकेट है, विशिष्ट गुरुत्व 2.6 से लेकर 2.8 तक है। कह रहा है कि क्लीवेज अच्छा होता है, इसको काटा जा सकता है एक प्लेन पे, मोह पैमाने पर कठोरता 6 होती है, यानी कठोरता इसकी तुलना में कम है इसकी। यह पत्थर मौसमों से शीघ्र प्रभावित हो जाता है, समझ गए होंगे बात को, मौसम से जल्दी खराब होता है। अभ्रक भी एक खराब खनिज है, मतलब जिसमें रहता है उसको जल्दी खराब कर देता है। इसी तरह डोलोमाइट है, डोलोमाइट एक पत्थर है, उसी का एक खनिज होता है। सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, क्योंकि हम खाली इसके बारे में ले जरूर लिए हैं कि आप देख लीजिए खनिजों को, लेकिन इस पर बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खनिजों को लास्ट में बस आप देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि सिलेबस में उतना डिटेल में दिया नहीं इसके बारे में। एम्फीबोल भी खनिज है, इसके बारे में बस ये देखो थ्योरेटिकल पार्ट है, इनको बस पढ़ लेना है आपको एक बार। कैल्साइट चूना पत्थर का मेन कंपोनेंट है, चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था, वो कैल्साइट का, कैल्साइट मिनरल से ही मिलके पूरा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसी से चूने पत्थर का निर्माण होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन पे। अब क्लासिफिकेशन पे मैं आपको बता दूं एक चीज का, क्लासिफिकेशन का मतलब है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण,
और वर्गीकरण मैंने बोला कई तरीके से किया जा सकता है, कई तरीके से किया जा सकता है, ठीक है ना। अगर आपको दिख रहा हो स्क्रीन पे तो आप देख लीजिए यहाँ पे वर्गीकरण में सबसे पहले चट्टानों के वर्गीकरण में क्या किया गया। तो देखो मैंने बोला कि सिलेबस में ही बोला है कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, जियोलॉजिकल, अब मैं इसको यहाँ अलग से बना देता हूँ चूंकि वो अच्छे से विजिबल नहीं है तो इसलिए मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अभी मैं सब दिखाऊंगा आपको, एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में सबसे पहली चीज जो होती है हमें करना है जियोलॉजिकल, यानी उत्पत्ति के आधार पे चट्टाने जैसी बन रही हैं वो कैसे उनका निर्माण हो रहा है उस आधार पे चट्टान कितने तरह की होती है। फिर आता है आपका फिजिकल, यहाँ पे और दूर कर लेते हैं, ठीक है ना, फिजिकल, फिजिकल। फिर आता है आपका क्या, केमिकल, कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। अब बनने के आधार पे जियोलॉजिकली चट्टाने तीन तरह से बन सकती है। पहला बन सकता है आपका क्या, इग्नियस रॉक, यानी जिसको बोलते हैं हम लोग आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक। दूसरा बन सकता है आपका सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री, ठीक है। और तीसरा आपका बन सकता है बनाने के आधार पे मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, ठीक है ना। ये तीन तरह से चट्टानों का निर्माण होता है, या तो इग्नियस तरीके से हो, सेडिमेंट्री हो, या मेटामॉर्फिक हो। अभी मैं बताऊंगा और चीजें, थोड़ा सुनते रहिए। यानी बनावट होगी जैसा बनेगा उस आधार पर। कहेंगे सर कैसे, देखो मोटा मोटा समझो कि पृथ्वी के अंदर क्रस्ट के नीचे मैग्मा भरा है, ये मैग्मा का लिक्विड है। मैग्मा जब बाहर निकलता है तो बाहर आके ठंडा होके हार्ड हो जाता है, वो चट्टान बन जाती है। और ऐसी चट्टाने जो मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से बनी, यानी मैग्मा के ठोसीकरण से बनी हो, ऐसी चट्टानों को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। यही चट्टान जब पृथ्वी की सतह पे आ गई और टूट टूट के धीरे धीरे कहीं पर पानी से, हवा से डिसइंटीग्रेट होके कहीं और एकत्रित होके लेयर में जमने लगी और जमते जमते कठोर होके चट्टान बना दी, तो यानी ये बन गया सेडिमेंट्री रॉक। यानी असल में बनता सिर्फ इग्नियस रॉक ही है और उसी रॉक से सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है, उसके लेयरिंग से बन जाती है। और जब ये दोनों चट्टाने पड़ी हैं अपनी अपनी जगह और इसके ऊपर फिर से पृथ्वी उलट पलट आके गिर गई और लंबे समय तक इन पर टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता रहा, तो इनके रूप रंग में बदलाव हुआ और नई चट्टानों का निर्माण हो गया, ऐसे चट्टानों को रूपांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, ठीक है। कहेंगे सर इग्नियस जो पिघलने वाले के ठोस होने से बना, सेडिमेंट्री इसी के झड़ने बढ़ने से बना, और फिर इन दोनों पे जब प्रेशर टेम्परेचर लगा ऊपर से तो ये नए रॉक का निर्माण कर दी जिनको मेटामॉर्फिक बोले। अब अगर देखो ये जब बाहर निकल रहा था मैग्मा तो पूरा ऊपर आ गया तब ठंडा हुआ, कि थोड़ा सा ऊपर चढ़ा यही ठंडा पाके ठंडा हो गया, या एकदम पास या काफी गहराई पर, इस आधार पे भी चट्टानों को, इग्नियस चट्टानों को भी तीन तरीके से बांट दिया गया। एक है सबसे पहले प्लूटोनिक, प्लूटोनिक का मतलब होता है ऐसी चट्टान जो पूरी बाहर नहीं निकली, काफी गहराई पे ही रुक गई और ठोस होकर चट्टान बना लिया, ऐसे को बोलते हैं प्लूटोनिक। जो पृथ्वी के एकदम पास आ गई थी, बाहर नहीं निकल पाई, बस पास पहुंच गई थी, बहुत कम गहराई पर थी, उन वैसी चट्टानों को बोला गया हाइपाबेसल रॉक्स, हाइपाबेसल रॉक्स। और जो पृथ्वी के ऊपर एकदम आ गई बाहर और तब जमी और चट्टान बनाई, उनको बोलते हैं हम लोग क्या, वॉल्केनिक रॉक्स। यानी इग्नियस भी तीन तरह से ठंडा होकर बनता है, क्या, प्लूटोनिक, हाइपाबेसल और वॉल्केनिक। देखो जो बाहर आ गया पूरी तरह से, ऐसा भी तो कह सकते हैं कि वो चट्टान जो पूरी तरह से बाहर आके जमी है वो चट्टान को हम लोग कह सकते हैं एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब ऐसी चट्टान जो पूरी तरह से क्या हुई, बाहर आ गई, एक्सटर्नल से बना एक्सट्रूसिव। ये दोनों भाई, ये ज्यादा अंदर है ये कम अंदर है, इसलिए इन दोनों को एक साथ हम लोग इंट्रूसिव कहते हैं। इंट्रूसिव मतलब क्या, जो अंदर हो, तो समझ में आ गया होगा आपको। अब एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव का मतलब जो अंदर ही रह गई वो इंट्रूसिव, जो बाहर आ गई वो एक्सट्रूसिव। अब बात करते हैं हम लोग इसी तरह से, अभी इनमें और भी तरीके से इनको बांटा गया जियोलॉजिकली भी। फॉर्मेशन के दौरान जिन चट्टानों में ज्यादा सिलिका होती है
उनको हम लोग एसिड रॉक और जिनमें कम सिलिका उनको बेसिक रॉक के अंतर रखते हैं, तो मैं दिखाऊंगा मैं। तो ये एक तरीका हुआ। अब इसके अंदर आते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर। अब फिजिकल में चट्टानों को दो तरीके से समझा गया। फिजिकल मतलब देखो ये तो कैसी कैसे बनी, उस आधार पर इतनी तरह की हो गई। अब बन गई तो किसी में लेयर है किसी में नहीं है, उस आधार पे फिजिकल दो तरीके का हो गया। किसी में लेयर है किसी में नहीं है उस आधार पे, कैसे? लेयर वाली को बोला गया अनस्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। जिनमें लेयर नहीं थी, जिनमें लेयर पाई जा रही थी वो स्ट्रेटिफाइड, यानी जिसमें स्ट्रेटा था, स्ट्रेटा मतलब लेयर, जिनमें स्ट्रेटा था वो स्ट्रेटिफाइड और जिनमें स्ट्रेटा नहीं था वो अनस्ट्रेटिफाइड। अब फिर ये तो लेयर के आधार पे फिजिकली, और अगर लेयर चलो है या नहीं है लेकिन वो बनी है तो छोटे छोटे दानों से मिलके बनी है, या पतले पतले रेशों से मिलके बनी है, या फिर ब्लेड्स की तरह पत्तियों से मिलके बनी है। जब कोई चट्टान बनती है तो उसमें छोटे छोटे ना ऐसे रेशे होते हैं, तो उनको रमेदार चट्टान कहते हैं। रमेदार मतलब अगर सोचो बालों का गुच्छा है तो ये क्या होता है, अगर महिलाएं चोटी बांध लेती हैं तो एकदम गुच्छ गुच्छ करके एकदम सॉलिड टाइप का बन जाता है। तो अगर चट्टाने उस तरह से गुंथी हुई है रेशों में तो उनको रमेदार या क्रिस्टलाइन रॉक बोलते हैं। क्या होता है उनको, क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है ना, जिनमें रमे होते हैं। तो वे बड़ी अच्छी चट्टाने होती है, जल्दी टूटती उठती नहीं है, क्रिस्टलाइन रॉक। और जो छोटे छोटे दानों से मिलके आपस में, जैसे छोटे छोटे बालू के दाने हैं आपस में उनको मिला करके चट्टान बन गई, तो उनको बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलर रॉक। ग्रेनुलर का मतलब ग्रेन्स होते हैं उनमें। और जो जैसे ब्लेड ले लो जिससे बाल बाल बनते हैं, वैसी ब्लेडों को चिपका चिपका के, यानी पत्थरों के अंदर पतले पतले फोल्स हो, झिल्लियां हो, उन झिल्लियों को एक दूसरे पर इकट्ठा करके जब चट्टान बनती है तो ऐसी चट्टानों को हम लोग बोलते हैं फोलिएटेड रॉक्स। क्या बोलते हैं? फोलिएटेड रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकली उनको देखने पर ऐसा हो सकता है, तो देखने के आधार पर यह बंटवारा हुआ। फिर आता है केमिकली, और केमिकली चट्टानों में यदि चिकनी मिट्टी, मैंने कहा तीन चीजें होती हैं, यदि चिकनी मिट्टी ज्यादा पाई जा रही है तो ऐसी मिट्टी को कहते हैं आर्गिलेसियस रॉक। आर्गिलेसियस रॉक यानी मृतिकामय चट्टान, यदि उनके अंदर चूना ज्यादा पाया जा रहा है, चूने वाली मिट्टी, तो उनको बोलते हैं कैलकेरियस रॉक। और यदि उनके अंदर सिलिका यानी बालू ज्यादा पाई जा रही है तो उनको बोलते हैं सिलिसियस रॉक। यानी आप इन चीजों को यदि समझ गए होंगे कि भाई चट्टाने जो होती हैं वो इस तरीके से बनावट के आधार पे, उनका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, जियोलॉजिकली बनी कैसे, उस आधार पे इतने तरह की हो गई, फिजिकली इतने तरह की और केमिकली इतने तरह की। इन्हीं को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे जियोलॉजिकल में इग्नियस रॉक है, और इग्नियस के अंदर बेसिक एसिड और अल्ट्रा बेसिक, यानी बेसिक मैंने बताया ना कि एक और आधार बांटा गया है, छारी चट्टाने, अम्ली चट्टाने और अल्ट्रा बेसिक बताऊंगा। इसमें प्लूटोनिक वाला नहीं बताया गया है, वो थोड़ा मैं ज्यादा डीप में चला गया था, मैं बताऊंगा आपको। फिर सेडिमेंट्री आ गया, मेटामॉर्फिक आ गया। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटिफिकेशन यानी लेयर्स के आधार पर स्ट्रेटिफाइड अनस्ट्रेटिफाइड, और टेक्सचर के आधार पर क्रिस्टलाइन ग्रेनुलर और स्लेटी रॉक, या फिर इसको फोलिएटेड रॉक भी कहते हैं, ठीक है। फिर केमिकली देखिए सिलिसियस रॉक, आर्गिलेसियस रॉक और कैलकेरियस रॉक। तो ये चट्टानों का वर्गीकरण है। अच्छा, ये वर्गीकरण कोई ऐसा नहीं कि कहीं राष्ट्रपति जी लिखे हैं, इनके लिखने का तौर तरीका बदल सकते हैं। यानी ये जो रॉक्स को ऐसे बताया गया, कई जगह किताबों में आपको इग्नियस के बाद सीधे सेडिमेंट्री मिलेगा, इग्नियस का ये जो डिटेल है वो नहीं मिलेगा, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितना ज्यादा जानते हैं उतनी ज्यादा चीजों को इसमें दिखा सकते हैं। तो एक हमने चार्ट में सबको दिखा दिया कि भाई इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है चट्टानों का, और क्लासिफिकेशन को आप डिटेल में जाएंगे। तो सबसे पहले किसको शुरू करेंगे, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पूरा समझेंगे, फिर फिजिकल को पूरा, फिर केमिकल को पूरा। तो सबसे पहले हम लोग जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पर पहुंचते हैं। कह रहा उत्पत्ति के आधार पर किया गया वर्गीकरण भूवैज्ञानिक या भूगर्भी वर्गीकरण कहलाता है। इसे तीन प्रकार से बांटा गया है, यही चीज इंग्लिश में भी लिखी गई है। क्लासिफिकेशन डन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री टाइप्स। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तीन टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया, पहला इग्नियस सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक। सबसे पहले आ गया आग्नेय चट्टानें, क्या है? पृथ्वी के भीतरी भाग का तापमान बहुत अधिक है, उच्च ताप और उच्च दाब पर इसके अंदर
मौजूद खनिज पदार्थ द्रवीय रूप में मौजूद। इन द्रवीय पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी का ऊपरी पटल क्रस्ट इसी मैग्मा पर टिका हुआ है, यानी मैग्मा के ऊपर ही क्रस्ट टिका हुआ है। पृथ्वी के अंदर मौजूद मैग्मा ऊपरी सतह पर आने की कोशिश करता है या जमीन की दरारों और छिद्रों से ज्वालामुखी के रूप में लावा के रूप में बाहर निकलता है और वातावरण के प्रभाव में आकर ठंडा होकर चट्टानों के रूप में बदल जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोमाइट आदि आग्नेय चट्टानें हैं। कभी कभी यह मैग्मा ऊपरी सतह तक नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठंडा होकर जम जाता है। ये अधिक ठोस, मजबूत, रमेदार होती हैं। ग्रेनाइट इसका उदाहरण है। आग्नेय चट्टानें सघन, मजबूत, टिकाऊ और अप्रवेश, यानी इसके आर पर पानी नहीं जा सकता। आप यहां पर देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। नीचे मैग्मा भरा हुआ था, विस्फोट से बाहर निकलने का प्रयास किया। ज्वालामुखी विस्फोट के अंतर्गत ऐसी चट्टानें बनती हैं। जब बाहर जा रहा था तो कुछ चट्टान तो बाहर जा करके इस तरीके से यहाँ पे कुछ चट्टान यहाँ जा करके फैलेगी और यहाँ पर जो चट्टानें बनेंगी इनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे। ये लिखा हुआ छोटा सा नहीं दिख रहा है, एक्सट्रूसिव। और जो यहीं पर फैली इधर उधर दरारों में भर गई इधर उधर, वो इंट्रूसिव हो गई। अब इंट्रूसिव वाले की क्वालिटी अच्छी होगी या एक्सट्रूसिव वालों की, जनरली जान लीजिए जो ऊपर आ जाती है ना वो जल्दी से ठंडी हो जाती है, बहुत तेजी से ठंडा होता है और उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है। जो धीरे धीरे ठंडा होता है इसके अंदर इंट्रूसिव। इंट्रूसिव में इंट्रूसिव रॉक का उदाहरण है क्या, ग्रेनाइट। इंट्रूसिव रॉक का उदाहरण है क्या, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट इसी का, ग्रेनाइट सबसे, जो बाहर आ जाती है उनमें बनता है क्या, बेसाल्ट और ट्रैप, दो चट्टानें हैं। बेसाल्ट और ट्रैप दो चट्टानें जो बाहर आने बनती है। एक तो कम गहराई, ये तो ज्यादा गहराई पे बना ग्रेनाइट, लेकिन जो है कम गहराई पे चट्टानें बन जाती हैं इधर उधर जाके ऐसे ऐसे फैल करके अगर चट्टान बन जाए तो ये हाइपा बेसल वाली है और इसका एग्जाम्पल है डोलेराइट। देखिए यहाँ पे डोलेराइट चट्टान जो है कहाँ गया, डोलोमाइट भी है, डोलेराइट भी, तो डोलेराइट भी आ जाता है। तो डोलेराइट आपका इसमें नहीं लिखा गया है, बहुत सारी चट्टानों का नाम नहीं लिखा गया है। तो आप यहां से एक चीज समझ गए मोटा मोटा कि कैसे मैग्मा बाहर निकलता है और जो चट्टानों का निर्माण करता है अधिक गहराई पे प्लूटोनिक रॉक, यानी ग्रेनाइट एक तरह की प्लूटोनिक है, ये हाइपा बेसल डोलोराइट। बेसाल्ट और ट्रैप क्या है, वॉल्केनिक रॉक्स और हैं सबकी सब इग्नियस ही, क्योंकि इग्नियस का मतलब है मैग्मा का ठंडा होके जमना और पत्थर का निर्माण करना। तो ये था क्या, इग्नियस रॉक के बारे में। अब इग्नियस रॉक के बारे में डिटेल में यहां पर बताया गया है। चूंकि आग्नेय चट्टानों का निर्माण जमीन के अंदर एवं जमीन के ऊपर होता है, इसलिए इस आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया। क्या, अधिक गहराई पर बनने वाली चट्टान यानी प्लूटोनिक रॉक्स जैसे ग्रेनाइट और गेब्रो आदि, कम गहराई पर बनने वाली हाइपा बेसल है जो मैंने अभी नाम लिया डोलेराइट। देखिये यहां जब हम लिख रहे थे डोलेराइट तो आपको लग रहा होगा ये अपने से नाम लिख रहा है, वहां तो डोलोमाइट लिखा है, तो देखो बेटा यहाँ डोलेराइट भी लिखा है। ये कम गहराई वाली थी, कम गहराई का मतलब कम हाई, ज्यादा गहराई पे है, कम गहराई पे है। और जो बाहर निकल गई वो वॉल्केनिक होती है, वॉल्केनिक रॉक जो सतह पर बनने वाली है, जिसका एग्जांपल बेसाल्ट और ट्रैप है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चट्टानों को कैसे होता है। अब सिलिका की मात्रा के आधार पर, यानी इन चट्टानों में यदि सिलिका ज्यादा है या कम, एक चीज जान लीजिए, सिलिका नीचे की तरफ भागता है, बालू बाहर निकलता है ना, तो सिलिका अक्सर नीचे वाली चट्टानों में ज्यादा पाई जाती है, यानी ग्रेनाइट में सिलिका ज्यादा होती है। तो एक चीज जान लीजिएगा, यहाँ पे सिलिका की मात्रा 15-60% तक हो सकती है। बेसाल्ट गहरे रंग, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे बोला है सिलिका की मात्रा, देखो छारी चट्टाने इसमें 15-60% तक सिलिका होती है। बेसाल्ट गहरे ये गहरे रंग नहीं रहेगा, इसको काट दीजिएगा खाली, बेसाल्ट उसका एग्जाम्पल है, यानी बेसाल्ट एक छारी चट्टान 60% तक, यदि 60% से ऊपर हो जाता है तो उसको अम्ली चट्टान कहते हैं। और अम्ली चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, जो कि नीचे पाया जाता है उसमें सिलिका होती है। और अल्ट्रा बेसिक वो होता है जिसमें सिलिका की मात्रा 15% से भी कम हो जाती है। सिलिका की ज्यादा मात्रा अम्ली, कम मात्रा छारी, बहुत कम मात्रा है तो अल्ट्रा बेसिक हो जाता है। इस आधार पे आपको अंदाजा लगा लेना चाहिए कि सबसे जो गहराई में चट्टान है जैसे ग्रेनाइट वगैरह है, ठीक है ना, वो चट्टानें जो होती हैं उनमें सिलिका ज्यादा होती है, वो अम्ली होती हैं, जो बेसाल्ट ट्रैप है वो छारी हैं, और जो बहुत ही कम जिनके अंदर सिलिका होती है वो चट्टानें अल्ट्रा बेसिक कही जाती हैं।
एक एक तो इनकी गहराई के आधार पर इनको बांटा गया, दूसरा सिलिका की मात्रा के आधार पर भी बांटा गया। इग्नियस रॉक को इतने तरीके से देखा गया। अब दूसरा औसादी चट्टान, औसादी चट्टान क्या है? ये कोई इग्नियस रॉक थी, बारिश हुआ ये सब हुआ, और ये सब चट्टानें धीरे धीरे कटते कटते जा जाकर के यहां पर इकट्ठा हो रही है, यहां पे सैंड स्टोन बना रहा है, सैल बना रहा है, लाइम स्टोन बना रहा है, ये सब औसादी चट्टाने हैं, ये सब औसादी चट्टाने यानी अवसाद से डिपोजिशन से बनी हुई ऐसी चट्टाने जो इग्नियस चट्टानों के कटाव के कारण डिपोजिशन से बने ऐसी चट्टानों को हम लोग क्या कहते हैं, अवसादी या तल छटी, जिनमें तल पाया जाता है, तल पे इनको बांटा जा सकता है, तलों पे छांटा जा सकता है, इसीलिए तल छटी चट्टान कहते हैं। सेडिमेंटेशन से बनती हैं, अवसाद से बनती हैं, इसलिए इनको सेडिमेंटरी रॉक भी कहते हैं। समझ में आया? तो इसमें बता दिया गया जो सेम चीजें जो मैंने बताई वो लिखा गया है, तो आपको यहां पर पूरा चीज दिखाया गया। अब आता है रूपांतरित या कायांतरित। मैंने बोला कि आग्नेय और अवसादी चट्टाने अधिक दाब एवं अधिक ताप के कारण मूल रूप से बदल जाती हैं, यही कायांतरिक चट्टाने कहलाती हैं। यह भूगर्भीय उथल पुथल के कारण होता है। इसमें चट्टानों के रंग रूप रचना संगठन गुण में काफी परिवर्तन हो जाता है। ये कठोर एवं टिकाऊ होती है, इन पर कार्य करना कठिन होता है। ये भूगर्भ के अंदर गहराई में उच्च ताप और दाब पर बदलती है। जैसे कि मैं आपको बताया कि इग्नियस रॉक अभी आपने पढ़ा, उसमें ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलेराइट ये सब था। और सेडिमेंट्री में यदि एग्जाम्पल लेंगे तो सबसे ज्यादा एग्जाम्पल देखो सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, लैटेराइट है, सैल है, लिग्नाइट। अब मैं बताऊं अगर इन्हीं चट्टानों पर ताप दाब लगता तो क्या होता? तो जब ये दब जाती हैं तो जो ग्रेनाइट जो कि एक इग्नियस रॉक था, ग्रेनाइट जो कि एक इग्नियस रॉक था, अगर इस पर दबाव पड़ेगा ना तो ये बदल जाएगा नीज नाम की चट्टान में। इसी तरह जो सैंड स्टोन है, सैंड स्टोन ये बदल जाता है किसमें? क्वार्ट्जाइट में, क्वार्ट्जाइट में। इसी तरीके से जो लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन पे जब टेम्परेचर प्रेशर पड़ता है तो बेटा ये बदल जाता है किसमें? मार्बल में, यानी संगमरमर में। तो आला सैल, ये जो पत्थर है सैल, सैल पत्थर स्लेट में बदल जाता है। ये सब क्यों बदला? कायांतरण हुआ, रूपांतरण हुआ, किसके कारण? मेटामॉर्फिक एक्शन के कारण। मेटामॉर्फिक एक्शन वह क्रिया है जो चट्टानों के रूप रंग को बदल के नए चट्टान का जन्म देती है। ये थी सब सेडिमेंट्री और क्या कहते हैं इग्नियस, लेकिन बदल गई किसमें? मेटामॉर्फिक के नए रूप। तो ये सब पूरा आपको दिखाया गया है कायांतरण के कारण। देखिए क्या हुआ, ग्रेनाइट जो है नीज में बदला है, लाइम स्टोन मार्बल में बदला है, सैंड स्टोन क्वार्ट्जाइट में बदला है, सैल जो है किसमें? स्लेट में बदला है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। नाउ आपका जियोलॉजिकल खत्म पूरा, इग्नियस भी हो गया, सेडिमेंट्री भी हो गया और मेटामॉर्फिक भी हो गया। अब भौतिक, भौतिक में परत के आधार पर आप जानते हैं कि जिनमें या तो परतदार होंगी या तो अपरतदार, परत पाई जाएगी तो स्ट्रेटिफाइड, नहीं पाई जाएगी अनस्ट्रेटिफाइड, सब लिखा गया है। और यदि इनके गठन यानी टेक्सचर के आधार बांटा जाए, देखो रमेदार यानी इनकी रचना रमेदार होती है, कठोर टिकाऊ होती है, इनका प्राय भवन निर्माण प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रेनाइट रमेदार है, मार्बल रमेदार है। कणदार यानी ग्रेनुलर होती है, ग्रेनुलर में क्या होता है? कम सामर्थ्यवान होती है, ग्रेन्स को अलग करना ईजी होता है। एक होता है पट्टीदार स्लेटी रॉक्स, इसकी रचना पट्टीदार जैसे स्लेट है, ये पूरा बताया गया। तो फिजिकली इतना ही तरह की होती है। फिर आता है केमिकल, जिसमें क्या पाया जाता हो। अभी आपने देखा कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट में 60% तक क्या थी? सिलिका थी, तो सिलिसियस रॉक भी तो होगी। ग्रेनाइट का मैं अगर एग्जांपल लूं वो कैसा पत्थर है, तो जियोलॉजिकली वो इग्नियस है, या कहें कि प्लूटोनिक इग्नियस है। अगर उसी को मैं बोलूं कि ग्रेनाइट को अगर हम लोग फिजिकली बांटे तो कैसा है, तो वो अनस्ट्रेटिफाइड है, उसमें कोई लेयर नहीं है और क्रिस्टलाइन है। यानी ग्रेनाइट एक पत्थर है, मैंने बोला ना एक आदमी को हर आधार पे गोरे काले में से भी वो एक होगा और लंबे छोटे में भी एक होगा, बुद्धिमान बेवकूफ भी एक होगा। तो ग्रेनाइट को अगर जियोलॉजिकली बांटें तो है क्या? इग्नियस। अगर उसको हम लोग जियोलॉजिकली फिजिकली बांटें तो कैसा है वो, तो कहेंगे अनस्ट्रेटिफाइड, और दूसरा इसी का नाम अनस्ट्रेटिफाइड के साथ साथ वो क्रिस्टलाइन भी है, यानी उसमें रमे। सबसे अच्छा पत्थर माना जाता है ये क्या? ग्रेनाइट। पानी बहुत कम सोखता है तो पानी वाले स्ट्रक्चर के लिए बड़ा अच्छा है। केमिकली देखेंगे तो ये सिलिसियस है, क्योंकि सिलिसियस में सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इस आधार पर अब आगे रासायनिक आधार पर जिन चट्टानों में मुख्य घटक के रूप में सिलिका होता है, सिलिसियस जैसे
सबसे पहला नाम उसने ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट, ट्रैप, सैंडस्टोन, सबका नाम ले लिया। इसी तरीके से मृतिका में जिनमें क्ले की मात्रा या एलुमिना, देखो क्ले को एलुमिना लिखा है, मैंने एलुमिना शब्द बहुत पहले प्रयोग किया था, एलुमिना मतलब वो जिसमें चिकनी मिट्टी घटक के रूप में होता है, ये होता है सघन कठोर। अब इसमें एलुमिना जिसमें पाया जाता है वो स्लेट पत्थर है, लेटेराइट है, इसमें मिट्टी ज्यादा होती है। चूना जिसमें पाया जाता है चूना पत्थर है, मार्बल है, ये दोनों में चूना ज्यादा पाया जाता है। तो मार्बल एक तरह का कैसा है, लाइम, लाइम स्टोन से बनाया, यानी उसमें उसको कैलकेरियस स्टोन कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका स्टोन का क्लासिफिकेशन। अब हम लोग आते हैं अच्छे भवन पत्थर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, एक अच्छा पत्थर जो होगा उसके अंदर क्या क्या गुण होंगे। तो भाई अपीयरेंस कैसा होगा, पत्थर का रूप आकर्षक होना चाहिए, हल्के रंग वाले पत्थर अच्छी सुंदरता प्रदान करते हैं, टिकाऊ होते हैं, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट आदि, यानी रिक्वायरमेंट से हेडिंग अलग है कि अच्छे पत्थर की विशेषताएं क्या क्या, लिखने के लिए भी आता है एग्जाम। उसके साथ साथ संरचना इसकी अच्छी हो, स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेटिफाइड हो सकते हैं, संरचना क्रिस्टलाइन, मैंने बोला ना क्रिस्टलाइन यानी रवे वाला सबसे अच्छा होता है, गठन कैसा हो तो साफ सुथरी चमकीली हो, सामर्थ्य उसकी अच्छी हो, 1000 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, इसी को आप 100 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम भी कह सकते हैं। ठीक है ना, ये होनी चाहिए किसी पत्थर की सामर्थ्य, एक अच्छे पत्थर के गुण कहे, देखो इसको कैरेक्टराइटिक्स ऑफ गुड बिल्डिंग कहे या इसी को ये रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग कहे की बात है, रिक्वायरमेंट यानी अच्छे पत्थर की विशेषताएं या अच्छे पत्थर के गुण, दोनों बातें एक ही है। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन भी चले। फिर बोल रहा है कि भारीपन हो, यानी पत्थर काफी अच्छा हो, उसका कम से कम 2.4 से ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी हो, मैंने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होने का मतलब चट्टान का भारी होना होता है। ठीक है, नाउ कह रहा है कि कठोरता उसकी कैसी हो, तो अच्छा कठोर हो, चाकू से निशान बनाने पर ना बने। अब ये चाकू से निशान बनाने का मतलब क्या है ये बताऊंगा मुंह जब पढ़ाऊंगा तब। फिर उसके बाद कह रहा है कि चिमड़पन यानी झटका खाने पे टूटे ना ऐसा पत्थर हो, संरचना एवं जल अवशोषण पानी कम सोखता हो, जो पत्थर ज्यादा पानी सोखेगा जल्दी खराब हो जाएगा, सुकारता यानी खूब मजबूत भी हो लेकिन उसको काटना छांटना आसान भी हो, ये बड़ी अजीब बात है, आदमी दोगला है वो कुछ भी चाहता है, दोगला का मतलब ये गाली मत समझिएगा, दोगला का मतलब जो दो तरफ जिसका दिमाग जाता हो, तो आदमी वही है, हम लोग चाहते हैं कि एक चीज खूब मजबूत हो लेकिन जब उसको काटना छांटना रहता है आसानी से कट छट गया, यानी सुकार्यता कार्य करने की एबिलिटी उसके अंदर अच्छी। ठीक है, फिर कह रहा है टिकाऊपन यानी जो आज मजबूत है वो कल भी मजबूत रहे, उसको कहते हैं टिकाऊपन यानी ड्यूरेबिलिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पत्थर के अंदर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। आज देख रहे हैं संगमरमर का बना हुआ ताजमहल का रंग उतर रहा है, क्यों, हालांकि काफी ड्यूरेबल पत्थर से बना था उस समय, आज तक चल गया बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक समय के बाद वो भी जवाब दे देगा। तो ड्यूरेबिलिटी मीन्स हाउ लॉन्ग इट लास्ट, मतलब कितना लंबा ये चलता। फिर उसके बाद मौसम यानी वेदर रेजिस्टेंस इसके अंदर होना चाहिए, रेजिस्टेंस वाइब्रेशन मतलब घिसाव होने पर जल्दी घिसे ना, रेजिस्टेंस टू फायर यानी अग्निरोधी, पत्थर एक मामले में ईंट से मार खा जाता है, पत्थर में आग जब लगती है तो चटक के टूट जाता है, ईंट जल्दी नहीं टूटती है। अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट, कोई भी मटेरियल कितना भी अच्छी क्वालिटी का हो लेकिन यदि वो अवेलेबिलिटी उसकी अच्छी नहीं है, वो रेयर है, वो जल्दी मिल नहीं रहा है, तो सारे गुण बेकार हैं, एक अच्छे पत्थर को आसानी से उपलब्ध भी होना चाहिए। ठीक है ना, अब कह रहा है सामान्य इमारती पत्थर के बारे में, उनके वर्गीकरण के बारे में, जो मैंने बोला था कि एक एक स्टोन को अलग अलग से थोड़ा थोड़ा समझना भी पड़ेगा, तो ये अलग अलग से स्टोन को जो समझना है उसमें सबसे पहले देखो ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट के बारे में बहुत कुछ बताया जैसे वर्गीकरण में कि आग्नेय स्तरित है, यानी ग्रेनाइट को बोल दिया कि ये आग्नेय है, जियोलॉजिकली इग्नियस है, फिजिकली अस्तरित है, देखो मैंने यही नाम लिया था, केमिकली ये सिलिका युक्त है, यानी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये इग्नियस रॉक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर अनस्ट्रेटिफाइड है, केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये सिलिका युक्त, यानी ये ग्रेनाइट के बारे में बताया कि कैसा। गठन एवं गुण, रमेदार है, इसके मुख्य खनिज क्वार्ट्ज, फिल्पार, माइका होते हैं, सिलिका की मात्रा 60% से अधिक होती है, रंग चित्तीदार भूरे रंग का होता है, पहचानने का मैंने बोला ना कि इसको पहचानने की बात करेगा, पहचानना एक प्रैक्टिकल चीज है, अब ग्रेनाइट का पत्थर तुम देख लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो ग्रेनाइट कैसा होता है, सतह इसकी खुरदरी एवं सख्त होती है, सामर्थ्य 770 से लेकर 1300 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, टिकाऊपन काफी टिकाऊ होती है, ड्यूरेबिलिटी बहुत बढ़िया होती है इसकी। ठीक है, ये ग्रेनाइट के बारे में था, सुकार्यता कार्य करना कठिन होता है, जब मजबूत रहेगा तो कार्य करना कैसे आसान हो जाएगा, तो सुकार्यता उतनी अच्छी नहीं है, काम करने में दिक्कत करता है। विशिष्ट गुरुत्व इसका 2.6 से 2.7 क्या होता है मैंने बता दिया, विशिष्ट गुरुत्व, उपयोग सबसे ज्यादा पानी,
बाग, भवन, पुल आदि के निर्माण कार्यों में प्राप्ति स्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में मिल जाता है। संदलन सामर्थ्य यानी वही 70 से 130 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम या इसी को 770 से लेके 1300 केजी केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ये न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में सेम चीज है। यानी अगर ये ग्रेनाइट के बारे में डिटेल में हम लोगों को बताया है, आप गूगल करके ग्रेनाइट देख भी सकते हैं, तो हम दो चार पत्थरों का देख लेते हैं। जैसे बलुआ पत्थर को बता दिया है यहाँ पे, फिर उसी तरह चूना पत्थर को बता दिया गया है यहाँ पे, फिर उसके बाद संगमरमर को बता दिया गया है यहाँ पे, तो ये सारे पत्थरों को बताया गया। इसको आपको नोट से पढ़ना है। अब कहेंगे सर आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो बेटा उसको रटना है, उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। समझना क्या होता कि हाँ सर आप पढ़ रहे हैं, आप मैं क्या समझाता, ग्रेनाइट मैंने खोला, मैं इसको समझाया ऐसे, फिर मैं बोला कि देखो ये संपीड़न सामर्थ्य क्या होती है, अभी तो इसका टेस्ट करना भी सिखाऊंगा। किसी चीज को दबाने पे जिस दबाव पे वो टूटता है वही उसकी संपीड़न सामर्थ्य होती है, तो ये मैं समझाऊंगा। अब कितनी होती है तो रटना है, रट जाओगे तुम, ये देख लेना, ग्रेनाइट का भी देख लेना, बलुआ पत्थर देख लेना, चूना पत्थर है, मार्बल है, इसके अलावा जितने पत्थर का तुम याद कर पाओ उतना अच्छा, ठीक है। उसके बाद आता है पत्थरों को उपयोग, कहाँ प्रयोग कर सकते हैं पत्थरों का, यूजेज ऑफ स्टोन कहाँ कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे यूजेज में कि भवन निर्माण में इनका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे नींव में, फाउंडेशन में, दीवारों में, स्तंभों में, लिंटल, डाट, हर जगह। पहले यूनिट जब नहीं थी पत्थर का ही प्रयोग होता था। भारी निर्माण कार्यों में जैसे पुल है, बांध है, लाइट हाउस है, गोदी कार्य है यानी बंदरगाहों पर, जलीय संरचनाओं में, जलीय संरचनाओं में वही पत्थर प्रयोग किया जाना चाहिए जिनकी वाटर एब्जॉर्प्शन 1% से कम हो। कैसे निकालेंगे बताऊंगा। सड़क निर्माण में, रेल मार्ग में, जैसे रेलवे के ट्रैक पे जो गिट्टी बिछती है बड़ी बड़ी बोल्डर, वो भी उसी में प्रयोग होता है। कंक्रीट बनाने में, कंक्रीट जब बनाते हैं तो सीमेंट, गिट्टी और बालू तीनों रहता है, तो वो भी पत्थर से बनता है। चूना और सीमेंट उत्पादन में, आप एक चीज जान लीजिए, जो चूना होता है वो चूने पत्थर से ही सीमेंट का भी निर्माण होता है, तो अभी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो चूना पत्थर भी एक तरह का क्या है, पत्थर है, उसका सबसे बड़ा यूज सीमेंट के इंडस्ट्री में होता है, गालक के रूप में होता है। फ्लक्स गालक क्या होता है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो किसी चीज के साथ जाके मिल जाए तो उसको जल्दी गला देते हैं भट्टी में, ज्यादा टेम्परेचर पर जलना था 1600 पे जल जाएगा 1100 पे। शिल्पी कार्यों में, मूर्तियां वर्तियां बनाने में, दूरी पत्थर और निशान, पत्थरों का उपयोग देखे होंगे, धंसा धंसा के उस पर दूरी लिखी रहती है, फलाना इतना किलोमीटर, दूसरा इतना किलोमीटर, ऐसा लिखा। तो पत्थरों के उपयोग जब लिखे तो ये एक दो ऐसे करके लगभग हमने 9 उपयोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, लिख डालिएगा। अब एक टॉपिक आता है पत्थरों को निकालने की प्रक्रिया, यानी क्वेरिंग ऑफ स्टोन, पत्थर को निकाला कैसे जाता है। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे लगभग खत्म हो चुके हैं। अगर मैं आपको दिखा दूं सिलेबस फिर से एक बार हल्का सा देखिएगा, कहीं पूरा पढ़े कि नहीं पढ़े, कहां तक पढ़े एक बार सिलेबस देखा जाए, आप कहां तक पढ़े सिलेबस देखा जाए। क्या आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक में जियोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया? हाँ सर पढ़ लिया। जनरल कैरेक्टराइटिक्स ऑफ स्टोन, जिसमें हमने सारे पत्थर नहीं लिए हैं लेकिन ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन, ट्रैप, ये सब पढ़ लिया। रिक्वायरमेंट्स पढ़ लिया इनका, कैरेक्टराइटिक्स और रिक्वायरमेंट हमने एक ही पढ़ा दिया इनका, पढ़ लिया आपने। आइडेंटिफिकेशन मैंने वही बोला कि एक ही साथ होंगे। वेरियस यूजेज ऑफ स्टोन, अभी आप पत्थरों का प्रयोग पढ़े हैं कि कहाँ कहाँ होता है, दूरी पत्थर में ये वो यूजेज भी पढ़ लिया आपने। अब लास्ट टॉपिक चल रहा है क्वेरिंग ऑफ स्टोन बाय ब्लास्टिंग, लेकिन मैं इसके बाद एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ाने वाला हूं जिसमें मैं टेस्टिंग ऑन स्टोन यानी पत्थरों के टेस्टिंग यानी उनको जांचा कैसे जाता है लैब में, वो भी मैं टेस्टिंग वाला टॉपिक भी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा। तो एक टॉपिक है क्वेरिंग ऑफ स्टोन और एक टेस्टिंग, इतना आप पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने मुद्दे पर, ठीक है। अरे 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 वैसे इसको दो वीडियो में कर दिया तो ज्यादा अच्छा, आज का सेशन यही बंद कर दीजिए क्योंकि एक पूरा वीडियो और लगेगा इसमें, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ से इसको पढ़ेंगे लेकिन ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि एक झटके में खत्म होगा नहीं, और एक लेक्चर पूरा मैं ले लूंगा तो इसके बाद का पूरा टॉपिक जिसमें टेस्टिंग भी पढ़ लेंगे, सीजनिंग भी पढ़ लेंगे, और उसमें केवल ब्लास्टिंग को समझाया है लेकिन मैं ब्लास्टिंग के साथ कुछ और विधियां भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को यही फिनिश करते हैं, अगला जो हम लोग करेंगे उसमें एक लेक्चर और लगेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। तब तक ले मुझे दी इजाजत, धन्यवाद।